विधायक के सुरक्षा कर्मी की खुली किस्मत, एक रात में बन गया करोड़पति, विधायक भी रह गए हैरान। बस एक ट्रिक लगाई और सुरक्षा कर्मी के भाग्य का खुल गया दरवाजा, अचानक आया खाते में 1 करोड़ जमा होने का संदेश। एक तरफ आईपीएल में खिलाड़ियों पर बरस रहा रुपया, तो दूसरी तरफ ऑनलाइन गेम्स में लोग बन रहे करोड़पति। देखिए कैसे विधायक के सुरक्षा गार्ड ने एक झटके में हासिल की जीत और इस ट्रिक से हो गया मालामाल। आईपीएल का ये सीजन करोड़पतियों की बाढ़ लेकर आया है। कोई मैदान पर पैसा कमा रहा है तो कोई घर बैठे करोड़पति बन रहा है। ऑनलाइन गेम आप भी खेलते होंगे, लेकिन आपको ये ट्रिक नहीं पता होगी जिससे आप करोड़पति बन जाएं। अब विधायक की सुरक्षा में तैनात एक सुरक्षाकर्मी अचानक से छोटा सा दांव लगाकर और इस ट्रिक से करोड़पति बन गया। विधायक को जब इसकी खबर लगी तो वो खुद हैरान रह गए। सुरक्षाकर्मी की किस्मत का दरवाजा ऐसे खुलेगा पता नहीं था। जब से ये खबर मिली है तब से परिवार में जश्न का माहौल है और बधाई देने वालों का तांता लगा है। दरअसल अब तक उत्तर प्रदेश के अलावा कई राज्यों में लोग करोड़पति बने हैं, जिसमें उत्तराखंड का भी नाम शामिल है। उत्तराखंड के कई युवाओं के लिए इस साल का आईपीएल धन वर्षा लेकर आया है। इस बार भी सीजन की शुरुआत से ही करोड़पति बनने का दौर जारी है। ड्रीम 11 और कई क्रिकेट फैंटेसी से लोग लगातार करोड़पति बन रहे हैं। अब उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के रहने वाले पुलिस के जवान कैलाश रावत की किस्मत रातों रात चमकी है और ड्रीम 11 टीम बनाकर उन्होंने एक छोटे से गांव में 1 करोड़ की रकम जीती है। कैलाश रावत वर्तमान में रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी की सुरक्षा ड्यूटी में तैनात हैं। जब विधायक को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने भी जवान को बधाई दी और मिठाई खिलाई। वहीं 1 करोड़ जीतने पर उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा है। 1 करोड़ जीतने के बाद कैलाश रावत ने कहा कि ये बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद है, क्योंकि मैंने 2020 में केदारनाथ धाम में ड्यूटी के बाद से आईपीएल खेल में टीम बनानी शुरू की थी। हर किसी का ख्वाब होता है कि मेरी भी लॉटरी लगे। उन्होंने कहा कि बीते रविवार को ड्रीम 11 में टीम बनाई थी और आज मुझे 1 करोड़ जीतने का सौभाग्य मिला है। पुलिसकर्मी ने कहा कि हम गरीब और छोटी सी नौकरी करने वालों के लिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। कैलाश रावत की माने तो जीती रकम से वो सबसे पहले अपना घर बनवाएंगे और इसके बाद बच्चों के भविष्य के लिए कुछ करने का प्लान है। कैलाश रावत की माने तो किसी भी काम को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपके पास हिम्मत है और खुद पर भरोसा है तो फिर आप एक ना एक दिन कमाल कर ही देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।